तो वो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है, वो खाली हिंदुओं की प्रधानमंत्री है, क्या बात करो आप। दुनिया जानती है आप उस मुल्क से आए हो जहां 70 साल के बाद में भी वोटों का राज कायम रहा है, पाकिस्तान से बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, इसलिए आपको सम्मान होता है। अब मोदी जी 6 महीने से लड़ेंगे, मुझे अभी मीडिया में पूछा क्या मोदी से 6 महीने तो मोदी जी वर्ष अशोक गहलोत हो जाएगा, मेरे भाई वो तो विश्व गुरु है, वो कहा विश्व गुरु, कहा मैं प्रथम सेवक राजस्थान का। मैंने कहा भैया मैं विश्व गुरु की बात नहीं करता, वो तो विश्व गुरु है, मैं लेकिन लड़ूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर, वो मुद्दा होगा क्या हमने 5 साल में प्रदेशवासियों के लिए काम किया कि नहीं किया, क्या हमने राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई कि नहीं बनाई, चाहे पेंशन की हो, चाहे मनरेगा शिविर हो, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है 25 लाख का बीमा, जिन्हें घर में इलाज होता ना उनको ज्यादा फील होता है, तो बाकी लोगों को लगता है कम से कम तकलीफ आ गई घर में अब पैसा नहीं लगेगा। माँ बाप बूढ़े होते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि माँ बाप का अंतिम समय तक सेवा करें, डॉक्टर इशारे कर देगा भाई बचेंगे नहीं, तो ऐसे परिवार हैं जो 50,000 खर्च हो या 1 लाख खर्च हो तभी उधार लेंगे, गहने गिरवी रखेंगे, मकान बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, लाख रुपये खर्च कर देंगे माँ बाप को बचाने के लिए, हमारे संस्कार है। अब ना तो उनको गिरवी रखने की जरूरत है ना बेचने की जरूरत है, ऐसा करो बेटा भाई। हमने गारंटी लिए राजस्थान के अंदर, हमारी सरकार ने लिए, मैंने लिए, साइन करके दिया आप लोगों को, जो आप लोग शिविर में गए थे मेरे शिविर में, कि मैं गारंटी देता हूं 25 लाख तक का बीमा इलाज आपको फ्री होगा जाए और फिर किसी से का हो। कल मैंने वीडियो देखा एक औरत का, उनके दोनों पैरों के घुटने के चेंज हो रहे हैं फ्री के अंदर, हार्ट की महिला बैठी दापू देवी जी अलवर में, उसके बाद मैंने सुनी कल एक महिला की वीडियो देखा, उनके दोनों घुटने दोनों खुले, 4 चेंज हुए हैं, 1 रुपया नहीं लगा उसका। दापू देवी जी ने कहा मेरे तो हार्ट बदल गया, हार्ट बदलना बहुत बड़ी बात है, तो क्या आप बार बार मुख्यमंत्री बनो, मेरे दापू देवी जी आपकी भावना का मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है, देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।